अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआएं हैं और आप सबका प्यार है। तो आज का व्लॉग मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मैं आप लोगों को शो करने जा रही हूँ अपने ईदी। तो हमने क्या शॉपिंग की है ईद के हवाले से, और ईद पे हमने यानी मैंने अपने बच्चों के ड्रेसेस कैसे बनाए हैं, मैंने अपने ड्रेसेस कैसे बनाए हैं, मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरी इस वीडियो को अगर आप लाइक कर दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी मत भूलें। तो चलते हैं जी अपनी वीडियो की जानिब। तो जी ये है मेरी सबसे छोटी वाली बेटी का। मैंने कहा कि सबसे छोटी वाली से स्टार्ट करते हैं। ये मेरी सबसे छोटी वाली बेटी का है। ये इसकी नानों ने भेजा था, कराची से आया था। और मैं तो, आप सबको मालूम है कि मैं तो रावलपिंडी में रहती हूँ, तो ये इसका आया था कराची से। और ये इसका प्लाजो है नीचे, ठीक है। और ये इसकी शर्ट है। मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। अब हमने पहनना है फर्स्ट डे। अब हम सेकंड का देखते हैं कि सेकंड में हमारे पास क्या है। तो ये है इसका सेकंड डे का। ये इसका नीचे है छोटा सा लहंगा, ठीक है। ये इसका छोटा सा लहंगा है और ऊपर ये इसकी छोटी सी फ्रॉक है। ये है इसका सेकंड डे का। तो ये हम पहनेंगे सेकंड डे। असल में ना जो बच्चियों के कपड़े होते हैं ज़्यादा भरे हुए और ऊपर मोती सितारे कुछ ऐसे सा काम हुआ हुआ हो, और वो ना मुझे ज़्यादा हैवी सूट बच्चों के लिए पसंद नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी सी बच्चियाँ होती हैं, छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, इन्होंने जो है कपड़े दिन में कितनी बार गंदे करने होते हैं। तो इस वजह से मुझे बच्चों के ना इतने हैवी कपड़े पसंद नहीं है। आप देख के कह रहे होंगे कि बहुत ही सिंपल है, सादा है, लेकिन बच्चों को मैं कहती हूँ कि इसी तरह के सिंपल और सादे ही पहनाने चाहिए, क्योंकि मोती सितारे लगे होंगे बच्चों को, उससे जो है चोट लगने का खतरा होता है। जैसे कि अब हाथ लगा लें तो हाथ में कहीं लग जाए, और वैसे भी बच्चियों का वो होता है कि जितने मोती सितारे लगे होंगे ना वो 1 घंटे बाद सारे उतर उतर के फैले हुए होंगे। इस वजह से हमारी कोशिश यही होती है, स्पेशली मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बच्चों को या बच्चियों को बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस बनाऊँ जिसमें बच्चे इजी भी रहें और बच्चों पे अच्छा भी लगे। तो ये मेरी बेटी का हो गया सेकेंड डे का। लड़कों की शॉपिंग तो आप सबको मालूम है, लड़कों की क्या शॉपिंग होती है। लड़कों की शॉपिंग में बस पैंट शर्ट आ जाती है, शलवार कमीज आ जाती है, दैट्स इट। तो मेरे ये बेटे की शॉपिंग शलवार कमीज फर्स्ट डे की। ये हमने इसका लिया था यहाँ से मलकाबाद से, ठीक है। बहुत रीजनेबल मिल गया था। स्टफ भी इसका अच्छा है, आप नज़दीक से भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, स्टफ भी इसका बड़ा अच्छा सा है और है भी बड़ा अच्छा सा, यानी आप ईद पे ना पहना सकते हो। और ये मेरे बेटे की और शर्ट्स हैं, ये एक और एक ये। ये हम सेकेंड और थर्ड डे में 6 दिन पहन लेंगे, और ये भी हम सेकेंड और थर्ड डे में 6 दिन पहन लेंगे। तो मेरे बेटे को ना मोहम्मद अहमद को बहुत ज़्यादा था कि मामा मेरी भी शॉपिंग सबसे आपने शेयर करनी है। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं आपकी शॉपिंग ज़रूर सबको दिखाऊंगी। तो ये जो है जी, ये मोहम्मद अहमद की शॉपिंग है। स्पेशली मोहम्मद अहमद ने मुझे कहा था कि मामा मेरी शॉपिंग ज़रूर दिखाएगा। तो हम मोहम्मद अहमद के साथ में सैंडल्स भी देख लेते हैं कि मोहम्मद अहमद के सैंडल्स कैसे से हैं, तो इन्होंने कैसे से पसंद किए हैं पहले तो जी ये सैंडल्स। आ गए हैं मोहम्मद अहमद के सैंडल्स। ये हैं जी मोहम्मद अहमद के सैंडल्स, ये भी इन्होंने पसंद किए थे। और ये मुझे भी यही होता है कि ज़्यादा ना, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं ज़्यादा फैंसी वगैरह चीज़ें नहीं लेती हूँ। मुझे बस सिंपल अच्छा लगता है कि बिल्कुल सिंपल हो और बच्चों पे ना थोड़ा सा अच्छा लग रहा हो, यानी ज़्यादा शो शाना मुझे पसंद नहीं है, मैं पर्सनली बात करूँ तो। तो जी अब चलते हैं मेरी शॉपिंग। अब मेरी शॉपिंग क्या है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरी शॉपिंग क्या है। सबसे पहले तो मैं, जो मेरा ईद का पहला वाला ड्रेस है ना, वो ना मैंने अभी तक रेडी नहीं हुआ। मेरा ईद का पहले दिन वाला ड्रेस अभी तक रेडी नहीं हुआ है। मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है, लेकिन वो ये है कि आजकल में रेडी हो जाएगा। तो मैं वो आपको ईद वाले दिन ही दिखा पाऊंगी। तो वो तो मेरा बिल्कुल नहीं रेडी हुआ है। तो फिर हम सेकेंड और थर्ड डे से स्टार्ट कर लेते हैं। उसके उस सूट के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं आपको फर्स्ट डे का सूट दिखाऊं।
तो क्योंकि वो मैंने खुद डिज़ाइन करवाया था और जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा था। लाइफ में फर्स्ट टाइम मैंने अपना ईद का फर्स्ट डे का सूट खुद से डिज़ाइन करवाया था, तो वो जो है ना इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और वो मुझे था कि मुझे ईद से पहले या 2-4 दिन पहले मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला। वो ये कह रही थी कि जो है मैं आपको चांद रात वाले दिन बना कर दूंगी, तो मैंने कहा अच्छा चले सही है, पर मिल जाए अच्छा सा बन के। तो हम सेकंड डे से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जी ये है मेरा सेकंड डे का ड्रेस, लॉन्ग शर्ट्स आपको मालूम है कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो ये है लॉन्ग शर्ट्स, ये इसके स्लीव्स, ठीक है, और इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है, वो मैं दिखाती हूँ, ये देखें जी ये है इसके साथ का दुपट्टा। बहुत अच्छा कंट्रास्ट लग रहा था, ये देखें ये दुपट्टा भी जो है ना बहुत अच्छा है, और जो साइड पे पीको वो मेरे हस्बैंड ने करवा के दी इस चीज की, तो क्या ही बात है। तो जी ये है मेरा सेकंड डे का। असल में ना मैंने आपको पहले भी बताया अपने वीडियो में कि मुझे जो है ना ज्यादा फैंसी हैवी ड्रेसेस नहीं पसंद, ना अपने लिए ना बच्चों के लिए। तो मुझे अपने लिए नहीं पसंद, तो इस मैं शायद बच्चों के लिए भी नहीं कह पाती हूँ। तो मैं जो है ना बस ऐसे सिंपल से मुझे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा बंदा जो है ना डिसेंट सी लुक आती है, तो इस वजह से मैंने ये बनवाया है सेकेंड डे का। और इसके साथ इयर रिंग्स भी जो है ना मेरे बिल्कुल सेम ऐसे से हैं, जैसे जैसे आपको ये आगे लड़ियाँ नजर आ रही है ना, बिल्कुल सेम ऐसे से ही मेरे इयर रिंग्स भी हैं इसके साथ के। और बैंगल्स तो आप लोगों को पता है बिल्कुल सेम होता सेम ही है, पर यह है कलर बिल्कुल ऐसा ही है, रेड एंड ब्लैक। मेरा है थर्ड डे का, थर्ड डे का ड्रेस है और ये है वाइट चिकन लाइनिंग मेरा, ये देखिए कैसा लग रहा है। और इसका दुपट्टा जब आप देखेंगे ना तो बस फिर ये देखें जी ये है इसका दुपट्टा। ये ना मेरे हस्बैंड ने सब मैच किया है और साथ में ये मुझे गिफ्ट किया था मेरे हस्बैंड ने, ये वाला और रेड एंड ब्लैक, ये दोनों और सारी मैचिंग वगैरह सब उन्होंने ही मुझे करके दी है। और स्टिच जो है उन्होंने भी कहा था कि इस तरह से स्टिच करवाना, लॉन्ग शर्ट और नीचे व्हाइट ट्राउजर, फुल व्हाइट है। और ये जो है ना मैंने गले पे थोड़ा सा काम करवाया है और ये स्लीव्स पे, ठीक है, और दुपट्टे के साथ की पट्टी, और ये दुपट्टा है, ये मेरे हस्बैंड ने जो है ना मुझे सारा कुछ जो है मैचिंग करके दी थी कि इस तरह का ड्रेस जो है ये सिलवाओ। आई होप कि आपको ये भी अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आप लोगों की राय बहुत ज़रूरी है। मैंने अभी आपको व्हाइट वाला सूट दिखाया ना, उसके साथ के हैं ये इयर रिंग्स, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ, ये हैं उसके इयर रिंग्स। तो ये ना मेरे हस्बैंड ही पसंद करके लेके आए थे, आप यकीन करेंगे मैं मार्केट से कुछ भी पसंद नहीं करती हूँ, मेरे हस्बैंड ही पसंद करके लेकर आते हैं। तो ये देखें जी ये मेरे हस्बैंड पसंद करके लेकर आए हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे, बहुत ही प्यारी प्यारी सी झुमकिया है और सेम जो है वो व्हाइट वाला सूट दुपट्टा आपने देखा है उस तरह के साथ मैचिंग, और व्हाइट बैंगल्स इसके साथ। और ये हैं जी मेरे जूते, ये भी देख लें जी आप, ये भी हमने मैच किए हैं। असल में ना हमें समझ में नहीं आ रही थी कि हमने जो है किस तरह से मैच करने हैं, क्योंकि मेरे पास गोल्डन भी है और रेड भी है, ब्लैक भी है, तो सारे कलर्स हमने मैच करने थे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मेरे हस्बैंड को ये पसंद आ गई थी, मैंने कहा चलें अभी फिलहाल मैं ये ले लेती हूँ, और फिर ना मैंने व्हाइट सूट के साथ मैंने लेनी है खूसे जिनको कहा जाता है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं जो है ना भूल गई अपनी बेटी की छूटियाँ दिखाने के लिए, और अभी मेरी बेटी उठा के लेकर आई है कि मामा ये, और ये है मेरी बेटी की छोटे से पम्प्स, कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। वैसे तो ईद के
3 दिन होते हैं, और तीनों दिन के जो है मैंने आपको अपनी शॉपिंग, बच्चों की शॉपिंग दिखा दी है। और मुझे ना वैसे भी इसी पे था कि मैं ज़्यादा से ड्रेसेस बनाऊं, और वैसे भी सीज़न भी चेंज हो रहा था, गर्मियाँ शुरू हो गई थी, और मुझे था कि मैं ज़्यादा से ड्रेसेस बनाऊँ। तो बाकी ड्रेसेस भी मैं आप लोगों से शो करती हूँ जो मैंने मंगवाए हैं, जो मैंने बनाए हैं। तो चलते हैं आगे, ड्रेसेस देखते हैं और मैंने कौन से ड्रेसेस मंगवाए हैं। समर कलेक्शन में बहुत अच्छी जो है ना, मुझे ड्रेसेस ऑनलाइन भी मिल गए थे, तो मैंने कहा चले मैं वो भी मंगवा लेती हूँ। और स्टिच मिल गए थे। आजकल इतनी महंगाई है ना कि अगर आप सूट लेते हैं और फिर उसको स्टिच करवाते हैं तो जो है एक ही हिसाब पड़ जाता है, और अगर आप रेडीमेड लेते हैं तो वही हिसाब पड़ जाता है। तो जी ये वाला सूट है, ये देखें इसके स्लीव्स ना इस तरह के बने हुए हैं, बास्केट वाले। अब मुझे नहीं मालूम कि कैमरे में मेरी वीडियो कैसी बन रही होगी, क्योंकि मैं बैक कैमरे से बना रही हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा कि मेरी वीडियो कैसी बन रही है कैसी नहीं। आप लोगों को समझ भी आ रही है या नहीं, बस ये है कि बन रही है। ये देखिए मैं आपको नज़दीक से भी दिखा देती हूँ। ये इतनी ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं है, नॉर्मल शर्ट है बिल्कुल। इसी तरह से ये एक शर्ट, ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाई थी। ये इसके स्लीव्स एम्ब्रॉयडर्ड हैं, और ये शर्ट है ठीक है। और इसके ना साइड पे पॉकेट्स भी हैं, वो जो कुर्तियाँ चल रही थी ना पॉकेट्स वाली, ये मैंने एक साइड पे देखी। मैं कब से ढूंढ रही थी पर मुझे ना मिली नहीं, फिर मैंने एक साइड पे देखी तो ये ना मैंने अपनी नंद को कहा तो ये उन्होंने ही मंगवा के दी ना मुझे। असल में ना मेरी ज़्यादातर शॉपिंग जो है ना वो पहले मेरी नंद करती थी, यानी मैं उनको ही कहती थी कि भाई मुझे जो है आप देखें ऑनलाइन और मुझे जो है सूट्स वगैरह जो भी चाहिए वो आप, यानी गर्मियां हैं तो गर्मियों के हिसाब से आपको देख के मंगवा लो, और अगर सर्दियां हैं तो सर्दियों के हिसाब से आपको देख के मंगवा लो। और ये दो सूट गर्मियों के मैंने उनसे मंगवाए थे, मैंने उनको कहा था कि भाई आप देख लो और फिर मुझे मंगवा दो, तो ये उन्होंने ऑनलाइन मंगवाए थे। और बाकी जो सारे मैंने आपको सूट्स दिखाए ना वो हम मैंने खुद, और दो सूट्स ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड रेड और वाइट वाला, ये तो मेरे हस्बैंड ने डिज़ाइन किया था कि भाई इस तरह से सिलवाओ, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि इस तरह से सिलवाना है। तो बाकी ये है कि ये दो उधर से आ गए, और मैंने जो अपना अपना डिज़ाइन किया है सूट, और जो यानी मैंने खुद डिज़ाइन किया है वो अभी तक मेरा बना नहीं है, वो ईद के फर्स्ट डे मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें मेरी हौसला अफजाई के लिए, और जो है ना प्यारे प्यारे से कमेंट्स जो है ना करते रहा करें, थोड़ी सी मेरी हौसला अफजाई होती रहती है। और मुझे होता है कि मेरे देखने वाले जो है मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बतें अपनी देते हैं मुझे, तो आप लोगों की मोहब्बतें आपके कमेंट में मुझे जाहिर हो जाती हैं कि आप लोग जो है ना कितनी मोहब्बतें करते हैं। और एक और बात जो कि मैं बताना भूल गई हूँ, मेरी वीडियो जो कि सब सभी वॉच करते हैं, लेकिन मेरा चैनल जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक जो मुझे कमेंट यानी मेरी हर वीडियो में आता है ना, वो है एक चैनल जिसका नाम मेरे चैनल पर चल रहा होगा, स्क्रीन पर चल रहा होगा, तो वो आप जरूर देखें, यहाँ यहाँ कहीं भी चल रहा होगा तो वो आप चैनल नेम जरूर देखें और जाके उन्हें भी आप सपोर्ट करें। तो मैं ये नहीं कहती कि मैं उनकी कोई फेवर नहीं कर रही, एक्चुअली वो बहुत मुझे अच्छा लगता है अगर मेरी जो है वीडियो में आप लोग कोई एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे और वीडियो में सबसे पहला कमेंट आ जाएगा, बहुत अच्छा लगता है आपको। आप खुद भी अगर यूट्यूबर हैं तो आप लोगों को भी ये चीज़ मालूम होगी कि जो भी आपका चैनल जब से स्टार्ट होता है और आखिर तक आपका चैनल आपकी वीडियो जो रेगुलर देखता आता है और वो रेगुलर आपकी वीडियोस पे कमेंट करता है तो आपको कितना अच्छा लगता है। तो मेरे चैनल पे भी एक चैनल ऐसा है जो कि मेरी वीडियो पर कमेंट करता है, तो ज़रूर उसको जाके सपोर्ट करें। और अगर आपका दिल मानता है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपका दिल मानता है तो ज़रूर उनका चैनल भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। और अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, मैंने सोचा चलें मैं आप लोगों से ये भी यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। बीच में जो है मैंने एक वीडियो डाल दी है, ये
ये बैंगल्स जो है ना, ये वाले ये मेरी बेटी की हैं, ये हेयरबैंड भी मेरी बेटी का है, बाकी ये बैंगल्स वाइट वाली मेरे वाइट वाले सूट के साथ है, ब्लैक और रेड ये, और ये वाले भी मेरे वाइट वाले सूट के साथ हैं।